हेलो फ्रेंड्स, मैं मालती सराफ। आइए मालती किचन में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम बनाते हैं चॉकलेट केक। तो चलिए इसका हम प्रिपरेशन करते हैं। ये मैंने कुछ मिले जुले बिस्किट लिए, मैंने ओरियो बिस्किट लिए इसमें 6 पीस, और मैंने इसमें बॉनबॉन बिस्किट लिया है, हाइड एंड सीक लिया है, मैरी बिस्किट लिए। हमें स्वीट बेस के कोई भी बिस्किट चलेंगे इसके अंदर, नमकीन बिस्किट नहीं लेना है। तो इन बिस्किट को हम सबसे पहले टुकड़ा कर लेंगे, टुकड़ा करके हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, अच्छा चूरा बना लेंगे मिक्सी के अंदर। ये हम मिक्सी में ये देखिए, हमने इसे अच्छा एकदम बारीक ग्राइंड कर लिया है। अभी मैं इसमें ये मिल्क रखा है, मैं इसमें मिल्क डाल दूंगी। थोड़ा थोड़ा करके मिल्क डालेंगे इसके अंदर। पहले मैं इसमें आधा कप मिल्क डाल रही हूँ। और जो भी चीज़ लेने का हमें रूम टेम्परेचर पे लेने का है सब, ऐसा नहीं कि कोई ठंडा लेवे कोई सादा लेवे, एक जैसे टेम्परेचर में चीज़ हमें लेनी चाहिए। इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। मैं इसमें दूध और डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें दूध डालना है। ये देखिए, इसे हमने अच्छा बारीक, एकदम बारीक, कितना अच्छा पीस लिया इसे हमने। अभी मैं इसमें थोड़ा कोको पाउडर डालूंगी। ये मैंने इसमें 1 टेबल स्पून मैंने कोको पाउडर लिया है, क्योंकि हम चॉकलेट बिस्किट बना रहे हैं तो कोको पाउडर से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और थोड़ा हल्का सा दूध और डाल रही हूँ इसके अंदर, ताकि बैटर हमारा एक जैसा बने। ये हमारा बैटर बहुत अच्छा तैयार हो गया है, ये देख सकते हैं आप, ये कितना अच्छा तैयार हो गया है बैटर। इसे अभी हम एक बाउल में खाली कर लेंगे। ये देखिए, बैटर हमने बाउल में खाली कर लिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा, आधा चम्मच मैं इसमें बेकिंग पाउडर डालूंगी, ये 1/2 टीस्पून, और थोड़ा सा मैं इसमें बेकिंग सोडा भी डालूंगी 1/2 टीस्पून। आधा आधा चम्मच ही हमें डालना है दोनों चीज़, और हल्के हाथों से इसमें मिलाना है हमें। और मैं इसमें एक्चुअल में बिस्किट में वैसे बटर होता है, पर इसमें मैं थोड़ा सा बटर भी डाल रही हूँ, ताकि एकदम सॉफ्ट बनेगा। करीबन मैंने 1 टेबल स्पून के करीब डाला है। और थोड़ा सा वेनिला एसेंस की मैं कुछ बूंदे डाल रही हूँ इसके अंदर, 5-6 बूंद वेनिला एसेंस डाल रही हूँ। और मैं इसमें शुगर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ऊपर से जब हम केक बनाएंगे तब ऊपर से भी हम चॉकलेट सॉस लगाएंगे, और थोड़ा सा हम इसमें शुगर सिरप भी डालेंगे तो ऑलरेडी स्वीट बहुत हो जाता है। और इसे हम अच्छा मिला लेंगे अभी। ये देखिए, हमारा बैटर एकदम अच्छा रेडी हो चुका है, लुक सो यम। अभी हम टिन ग्रीस करते हैं। देखिए, टिन में मैं सब बटर लगा दूंगी, मैंने मेल्टेड बटर रखा है, यही मैं टीन में चारों बाजू साइड में भी अच्छे से लगा रही हूँ एकदम। और थोड़ा सा मैं इसमें मैदा डस्ट कर दूंगी, थोड़ा सा मैदा, और जो एक्स्ट्रा मैदा रहेगा वो भी किनारे पे भी ऐसे डाल के। ये जो एक्स्ट्रा वाला मैदा है, ये वाला, इसे भी मैं निकाल दूंगी। ये देखिए, हमने एकदम जो टीन हमारा लिया उसे अच्छे से हमने बटर लगा के ग्रीस किया और मैदे से डस्ट कर लिया है, और एक्स्ट्रा मैदा था वो निकाल लिया है हमने। अभी मैं जो हमने बैटर बनाया है ये मैं इसमें डाल दूंगी मोल्ड में। आप चाहिए तो इसमें चोको चीज़ भी डाल सकते हैं, आप इसमें आलमंड भी डाल सकते हैं, पर मैं एक बार प्लेन ही बना रही हूँ इसे। और थोड़ा इसको टैप कर देंगे ऐसा हम। अभी हम इसे गैस पे बनाएंगे, मैं इसे माइक्रोवेव में नहीं बनाऊंगी, और मैंने प्री हीट करके रखा है गैस पे जो बनाना है मुझे कढ़ाई। तो चलिए अभी हम गैस पे रखते हैं इसे। ये देखिए, मैंने जो कढ़ाई था मैंने वो प्री हीट करके रखा है। अभी मैं इसमें रख दूंगी, नीचे मैंने एक वो जाली स्टैंड रखा है एक, अभी हम इसे ढक्कन लगा के 40 मिनट तक हम इसे बेक होने देंगे, और बीच में हम इसे खोलेंगे नहीं, नहीं तो जो इसमें जो गर्म एक जो भाप जमा होती है वो बाहर निकल जाती है और वो केक हमारा नीचे फ्लैट बैठ जाता है। तो इसे हम 40 मिनट तक बेक होने देते हैं। केक हमारा बेक हो रहा है। ये जो घर की मलाई ली है मैंने एक कटोरी, तो हम थोड़ी क्रीम बनाएंगे जब तक। इसे हम ज़्यादा नहीं करेंगे मशीन से, आप चम्मच से भी कर सकते हो, पर मैं मशीन से कर रही हूँ। और थोड़ा सा मैं इसमें शुगर, ज़्यादा नहीं, शुगर मैं इसमें 1 टीस्पून ही डाल रही हूँ, और थोड़ा सा 2-4 बूंदे वेनिला एसेंस की डाल रही हूँ इसमें।
आप देख सकते हैं हमारी क्रीम बहुत अच्छी हो गई। इसे मैंने कर ज़्यादा नहीं किया, आधी मिल के करीब इसे मैंने किया है। अगर ज़्यादा करेंगे तो मक्खन निकल जाएगा। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए ये हमारी कितनी अच्छी क्रीम रेडी हो गई है, ये आप देख सकते हो। मैंने नीचे आइस रखा था ताकि मुझे टेम्परेचर एकदम ठंडा चाहिए था, तो मैंने नीचे आइस रखे इसे मैंने क्रीम बनाई है। आधा कप मैंने, एक कप मलाई लिया है ये, इसमें एक टेबल स्पून शुगर डाला और चार पांच बूंद मैंने वेनिला एसेंस की डाली। मैं इसे अभी अब दो पार्ट में कर लूँगी। एक पार्ट में थोड़ा कोको पाउडर मिक्स करूँगी, ये मैंने हाफ ऑफ कर लिया है। एक में मैं थोड़ा कोको पाउडर मिक्स कर रही हूँ, मैंने 1 टीस्पून डाला मैंने इसके अंदर। बस मुझे इसे बहुत डार्क नहीं रखना है। देखिए मैंने इतना ही ऐसा कलर दिया, हल्का कॉफ़ी कलर ही दिया मैंने इसे। अभी मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। केक हमने गैस पे बेक करने रख दिया है, हमने क्रीम बना के फ्रिज में रख दी है। अभी हम जो ऊपर में जो लेयर लगाएंगे केक पे, चॉकलेट सॉस की लगाएंगे, तो मैं उसके लिए एक डेरी मिल्क ले लूँ, ये वाली। ये मैं एक डेरी मिल्क लिया, इसके मैं छोटे छोटे टुकड़े कर दूँगी इसके अंदर। और मैं इसमें 1 चम्मच न्यूट्रा डालूंगी, ये मैं 1 चम्मच इसमें न्यूट्रा डाल रही हूँ। एक चम्मच न्यूट्रा डाल दी मैंने इसके अंदर। और मैं इसमें बहुत थोड़ा सा, 1/2 टीस्पून इसमें बटर डाल रही हूँ और थोड़ा सा मिल्क, और मैं इसमें 1/2 टीस्पून कोको पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि जो मुझे शाइन चाहिए, डार्क चाहिए, नेस चाहिए मुझे लेयर में, वो कोको पाउडर से बहुत अच्छी आएगी। अब मैं इसे ओवन में 1/2 मिनट के लिए गर्म कर दूंगी। ये चॉकलेट सॉस बहुत अच्छी लगती है खाने में भी, और इसे केक पे जो शाइन आती है वो बहुत अच्छी आती है। ये अभी बहुत गर्म है, इसे मैं धीरे धीरे मिक्स कर लूँगी अच्छे से, हल्का हल्का। अगर मैं और दूध की ज़रूरत और लगेगी तो इसमें दूध थोड़ा और डालेंगे हम। बच्चों को चॉकलेट केक बहुत पसंद आता है। मैंने थोड़ा सा दूध और डाला इसके अंदर, करीबन 2 टेबल स्पून के करीब इसमें दूध गया है। इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे हम। ये आप देख सकते हो चॉकलेट सॉस भी कितनी अच्छी रेडी हो गई है, ये देखिए कितनी यम लग रही है। केक हमारा 40 मिनट हो चुका है। वाह, गैस का फ्लेम हम बंद करते हैं, एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। जरा भी स्टिक में नहीं चिपक रहा है, केक हमारा हो चुका है। इसे अभी हम बाहर निकाल के 15 से 20 मिनट हम इसे ठंडा होने देंगे। देख सकते हो आपके कितना अच्छा फूला है, देखिए। इसे अभी हम 15-20 मिनट ठंडा होने के बाद ही डीमोल्ड करेंगे। देखिए केक हमारा ठंडा हो चुका है अभी, इसे हम अभी डीमोल्ड करेंगे। वाह, देखिए कितना अच्छा बना है केक। अभी हम इसके सेंटर से 2 पीस कर लेंगे आराम से, आहिस्ता से। ये देखिए इसके 2 पीस किए मैंने, ये देखिए। अब इसकी हम स्टफिंग करेंगे। मैं अंदर साइड में जिसमें मैंने कोको पाउडर मिक्स किया था, जो हल्का कॉफ़ी लिया था, मैं अंदर साइड में वो इसमें करूँगी, वो वाली क्रीम लगा दूँगी मैं अंदर में।
पूरा अच्छे से इसे आप भी ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद है, वैसे भी लॉकडाउन है। और ये ऊपर वाला पीस है, ये जो थोड़ा ऊपर में फूल जाता है, इसे मैं थोड़ा कट कर दूंगी ऊपर में थोड़ा सा, ताकि मुझे ऊपर में बेस जो उसका प्लेन चाहिए। ये मैंने ऊपर से थोड़ा निकाल दिया है, देखिए इसका मैंने, ताकि मुझे ऐसे ऊपर से एकदम प्लेन चाहिए ये। सारी आइसिंग में हम इसमें लगा देंगे। अभी ये वाला इसमें इसके ऊपर रख दूंगी ऐसे। और ये जो चॉकलेट सॉस बनाई है, ये चॉकलेट सॉस में ऊपर में स्प्रेड करूंगी इसके। चारों बाजू अच्छे से हम स्प्रेड कर देंगे चॉकलेट सॉस। और जो ऊपर का पीस मैंने ये कट किया था केक का, इसे मैं बारीक ग्रेट कर लूँगी। इसे हमें पूरा ग्रेट कर लेना अच्छे से। और ये साइड में मैं सब इसके लगा दूँगी अच्छे से, सब ये जो मैंने ग्रेट किया है ऊपर का जो पीस केक का मैंने निकाला था, वो साइड में पूरा मैं इसके लगा दूँगी ऐसे। और इसे अभी हम फ्रिज में 15 से 20 मिनट सेट होने के रखते हैं। ये मैंने वाइट वाला जो आइसिंग रखा, जो मैंने क्रीम रखी थी, वो मेरे पास में ये नोजल्स है, मैंने इस पर डाल दिया है। तो मैं ये इसमें इसके मैं बना लूँगी फ्लावर जैसे। ये देखिए हमारा केक सर्व करने के लिए पूरा अच्छे से रेडी है, चॉकलेट केक। चॉकलेट केक एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। और वैसे भी आज मेरी बेटी का बर्थडे है, तो मैंने उसके लिए केक बनाया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड दोस्तों में, रिलेटिव्स में, सब में शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी नई डिश डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय, फिर मिलते हैं अच्छी से कोई डिश के साथ में। टेक केयर, लव यू।